जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया ना, तो वहां पे जहां पे मैं जॉब करती थी ऑफिस में, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश की एक मैम थी, ज्योत्सना मैम, जिनकी की पर्सनालिटी देखने दिखाने लायक थी और उनकी इंग्लिश के तो क्या कहने। उनको जब कभी भी मैं देखती थी तो देखती रह जाती थी, और रीजन था कि वो इतनी सुंदर लगती थी क्योंकि वो पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, सारे श्रृंगार किया करती थी। और उनका कहना ये था कि औरत होने के बाद अगर आप श्रृंगार नहीं करते तो ये गलत है। औरत को भगवान ने बनाया है कि वो श्रृंगार करे, सुंदर दिखे। तो उनकी जो चूड़ियां होती थी ना, वो मतलब बिल्कुल अलग हुआ करती थी। जैसी वो साड़ी पहनती थी, बिल्कुल मैचिंग, पूरी हाथ भर के उनकी चूड़ियां जो है मैं देखती रह जाती थी। तब जो है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं भी इस तरह से चूड़ियां पहनूं, और मैंने अपना चूड़ियों का कलेक्शन बनाना स्टार्ट किया। और फिर हो गई मेरे पास ढेरों ढेर चूड़ियां, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं। कलेक्शन को देखने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सा वाला एक डीआईवाई बॉक्स बनाया, जिसमें बहुत सारी चूड़ियां आप रख सकते हैं और उसे बनाना बहुत आसान है। तो पहले देखते हैं बॉक्स बनाना, और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको मेरा कलेक्शन चूड़ियों का क्या क्या है। बैंगल बॉक्स बनाने के लिए एक कार्डबोर्ड लिया मैंने, और ये बॉक्स इतना बड़ा था कि इसमें चूड़ियां अच्छी तरीके से आ जाएं। और इसको मजबूती देने के लिए मैंने क्या किया, इसमें जो है साइड में भी जो कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस थे वो लगा दिए। इससे क्या होगा, जब इसमें चूड़ियों का वेट आ जाएगा तो इसे उठाना या रखना ये बहुत मजबूत बन जाएगा, और ये इतने मजबूत होते हैं कि सालों साल चलते हैं। तो मैंने इसमें ये पीसेस लगाने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ दिया इस तरह से क्लिप्स लगा के, और ये आधे एक घंटे में ना बहुत आराम से सूख जाता है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसे सुंदर बनाऊंगी, तो इसमें मैंने लिया ये एक फोम की शीट को, ये वही फोम की शीट है जो हम बेडशीट्स वगैरह में लगाते हैं, और इसको मैंने देखिए कुछ इस तरह से फेविकॉल की मदद से चिपका लिया। आप इसे ग्लू की मदद से भी चिपका सकते हैं, और तरीका देख लीजिए। पहले हमें क्या करना है, साइड में इसको लगा लेना है फोम की शीट को, एक्स्ट्रा पीस को कट किया और अंदर की तरफ इसको मोड़ दिया, तो इसकी जो आप विड्थ लें वो इतनी ही लें। और जब आप इसे लगा देंगे ना, तो इसके जो साइड्स हैं वो बहुत ही मतलब क्लीन आएंगे, नीट एंड क्लीन आएंगे, और थोड़ी सी और मजबूती इस बॉक्स को मिल जाएगी। तो देखिए, ये इस तरह से लगा दी है मैंने शीट, और ये भी करीब आधा एक घंटे में सूख जाएगी। अब मैं इस पे लगाऊंगी फैब्रिक। तो देखिए, ये वही बचा हुआ पीस है जिससे कि मैंने बेडशीट बनाई थी, तो इसको भी इस तरह से लगाना है कि पहले नीचे की तरफ चिपकाना है जब हम इसे साइड्स में लगाएंगे, और नीचे की तरफ लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे, तो जो साइड्स आते हैं, होते हैं ना जो साइड्स, ये बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक देते हैं। तो देखिए कितना अच्छी तरीके से बिल्कुल ये साइड्स जो हैं इसके तैयार हो गए। और अब क्या करना है, मुझे इसके अंदर की तरफ जो है थोड़े से मुझे एक फैब्रिक और लगाना था। ये मैंने एक बार ट्रायंगल कुशन बनाए थे, उसका बचा हुआ पीस है वेलवेट का। थोड़े से वेलवेट से लुक अच्छा आ जाता है जब आप बैंगल बॉक्स बनाते हो, और इसमें मैंने लेस लगा दी, और देखिए कितना साफ सुथरा सा लग रहा है। और नीचे की तरफ रखने के लिए भी मैंने एक कार्डबोर्ड के पीस में सेम वेलवेट का फैब्रिक लगाकर और उसको नीचे रख दिया। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया जो है हमारा जो नीचे का पीस था वो तैयार हो गया बैंगल बॉक्स का। अब ऊपर का कवर तैयार करने के लिए लिया एक कार्डबोर्ड का पीस, और ये इतना बड़ा लेना है कि इसमें ऊपर जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ढक्कन का काम कर सके, कवर का काम कर सके। तो एक साइड से मैंने इसमें जो है चिपका दी, जैसे मतलब चिपका के थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह से प्रिपेयर कर लिया कि ये इसके ऊपर बिल्कुल फिट आएगा। और सेम मेथड से इसके ऊपर जो फोम की शीट है वो हम फोम की शीट चिपका लेंगे। तो देखिए ये फोम की शीट इस पे चिपक गई, थोड़ा सा वो पुरानी हो रही थी येलो कलर की, और ये वाइट कलर की है। पुरानी हो जाती है शीट तो उनका कलर चेंज हो जाता है, और इसके ऊपर मैंने यही फैब्रिक जो है सेम उसी तरीके से पेस्ट कर दी। और इस पे अब मैं लगाऊंगी मिरर। मेरे पास एक मिरर पड़ा हुआ था थोड़ा सा, उसी को मैं लगाऊंगी। और हाँ, जब आप फैब्रिक लगाओ ना, तो उसके किनारों से थोड़े से जो है धागे निकलते हैं, तो आप
आप उसे मशीन से सिलाई मार लीजिए। इसमें भी मैंने साइड्स में मशीन चला ली थी और अब इस मिरर को ग्लू गन की मदद से ही हम चिपका लेंगे और मिरर के ऊपर जैसे लेस वगैरह लगा देंगे तो बिल्कुल जैसे मार्केट वाले बॉक्सेस होते हैं ना, जो बैंगल बॉक्स होते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही लगेगा। तो इस पे मैंने इस तरह से लेस वेस लगा के बहुत अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लिया। और अब जो है लॉकडाउन में थोड़े से लेस के ऑप्शन कम है तो ऊपर की तरफ भी मुझे लेस लगानी थी ताकि ये सुंदर लगे। तो मैंने एक मोतियों की, गोल्डन मोतियों की लेस लगा दी और ये ऊपर की जो कवर है, हमारी लिड है, वो प्रिपेयर हो गई है। और अब हमें क्या करना था, देखिए अंदर की तरफ इसमें थोड़ा सा चूड़ी रखने का हिसाब किताब बनाना था। तो मैंने क्या किया, मतलब इसके लिए आप ले सकते हैं पेंसिल्स, ले सकते हैं कुछ स्टिक्स, ले सकते हैं कार्डबोर्ड से भी आप रोल बना सकते हैं। तो मैंने एक DIY बनाया था लास्ट ईयर, तो उसके कुछ जो है इस तरीके के, देखिए डंडे जो थे ना ये बचे हुए थे कलर्ड जो थे, और इन्हीं को मैं इसमें लगाऊंगी और लकीली ये बिल्कुल इसमें फिट आ भी जाएंगे। अब क्या करना था, इनको रखने के लिए हमें कुछ प्रिपेयर करना था। तो ये मैंने लिया थर्माकोल का पीस, कार्डबोर्ड का पीस है वो भी ले लीजिए, और इसमें थोड़ी सी मैंने मार्किंग करी, मार्किंग करके कट कर लिया। और देखिए कुछ इस तरह से कट किया कि हम इन डंडों को इसके ऊपर रख सकें, यानी इन स्टिक्स को रख सकें। तो मैंने 4 पीस कट किए और थोड़े से जो है हाफ सर्किल जो है मैंने इसमें से जो है कट कर लिए। तो ये 4 पीस मैंने लिए, आपस में 2-2 पीस को जोड़ने के बाद मैंने उसके ऊपर लेस वेस लगाने के बाद कुछ इस तरह से इन्हें प्रिपेयर कर लिया और साइड में अब मैं इनको लगा दूंगी। तो थोड़ा सा इसे मेजर करके ही लगाइएगा ताकि जो है बिल्कुल फिट इसमें आप जो है स्टिक्स फिट कर सकें। तो दोनों तरफ से चिपकाने के बाद ये मेरा देखिए कुछ इस तरह से बैंगल्स रखने की जगह तैयार हो गई है। अब मैंने क्या किया है, आगे की तरफ से इसमें थोड़ा स्पेस रखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम चूड़ियां उतारते हैं और ऐसे ही रख देते हैं, तो वो अब मैं आगे रख सकती हूँ और इसलिए मैंने थोड़ी सी जगह इसमें आगे और पीछे की तरफ छोड़ी है और वही लेस वेस लगा दी। अब हमें क्या करना था, इन दोनों को जोड़ना था, ऊपर का और नीचे का पीस। तो एक फैब्रिक का मैंने पीस लिया, सिलाई कर ली उसके चारों तरफ और पहले तो ऊपर के कवर पे मैंने उसे ग्लू गन की मदद से चिपका लिया फैब्रिक को, और फिर बिल्कुल सेम मेथड से नीचे की तरफ वाले हिस्से पे मैं चिपका लूंगी। तो दोनों जो कवर और बॉटम वाला पार्ट है वो अच्छी तरीके से अटैच हो जाएंगे। अब क्या करना है, ये जो हमारा ऊपर वाला कवर है इसको स्टेबल रखने के लिए हमें क्या करना है, साइड में इसमें इलास्टिक या कुछ लगाना है जिससे कि ये ढक्कन जो है इसका ये सेट रहे। तो मैंने ग्लू गन की मदद से ही इस तरह से पीस लगा लिए हैं और आगे से जो है इसमें थोड़ा सा शो देने के लिए ढक्कन है, ये पुराना टी लाइट है जो कि टूटा हुआ है, ये सब चीज़ें मैंने इसके ऊपर चिपका दी और इन्हें मैंने स्प्रे पेंट से पेंट कर लिया गोल्डन कलर के। आपके पास ऑयल पेंट हो, फैब्रिक पेंट हो, उससे पेंट कर लीजिए। तो इस तरह से थोड़ी बहुत लेस वगैरह लगा के मैंने ये बॉक्स प्रिपेयर कर लिया जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें बाद में मैंने थोड़ी सी लेस और लगा दी थी जिससे कि ये बहुत सुंदर लग रहा था और ये वाकई मुझे बहुत पसंद आया और नीट एंड क्लीन लगेगा ये। अभी थोड़ा सा मैं इसमें फिनिशिंग टच और दे दूंगी। तो ये मेरा तैयार हो गया बैंगल बॉक्स। जितनी भी चूड़ियां ऐसी थी जो मुझे नहीं पहननी थी वो सारी मैंने हटा दी और ये अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से ऑर्गेनाइजर हैं मेरे पास जिनमें मैं चूड़ियाँ रखती हूँ। तो एक ये है जो कि ट्रैवल में जब कभी भी जाते हैं तो इसमें चूड़ियाँ रखने के काम आता है, तो बहुत ही अच्छा है, इतनी ही ज़रूरत पड़ती है और साइड में कहीं पे भी बैग वगैरह में ही इसे रख सकते हैं। ये मैंने खरीदा था जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। तो एक तो है ये, दूसरा एक ऑर्गेनाइजर है जो कि मैंने काफ़ी पहले अमेजोन से ही लिया था, ये फैब्रिक का बना हुआ है और इसमें बहुत सारी चूड़ियाँ आ जाती हैं और अच्छा है ये, मतलब सही लगा था मुझे। और इसके अंदर जो मैं चूड़ियां रखती हूँ वो रेड कलर की, ज्यादातर रेड और क्रीम कलर की जो है चूड़ियां रखती हूँ। इसमें इस तरह से ये फैब्रिक का होता है, इसके अंदर आप चूड़ियां जो है रख सकते हैं, तो ये सही रहता है इस तरह से और काफी सारी चूड़ियां इसमें आ जाती हैं। ऊपर से कर देंगे इसे बंद और लगा देंगे इसमें चेन। नीचे से थोड़ा सा ये मोटा इसमें गत्ता लगा हुआ है और ये है, ऐसा आप घर पे भी बना सकते हैं, जिनको सिलाई आती है वो बना सकते हैं इस तरीके का चूड़ी रखने का ऑर्गेनाइजर। आपको मैं बता दूंगी कि किस तरह से इसे आप बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजर है जो कि नॉर्मल है, जो कि थोड़ा सा टूट भी गया है, तो ये इसका ढक्कन अलग हो गया है। इसमें है ग्रे कलर की और ब्लू कलर की चूड़ियां हैं और थोड़ी सी मैंने पिंक भी इसमें लगा दी हैं। सब बहुत ही सुंदर हैं चूड़ियां। तो मेरे पास कांच की चूड़ियां जो हल्के से वर्क में होती हैं वो हमेशा रहती हैं। ये बहुत सारी साड़ियों के संग काम में आती हैं और लगभग हर कलर मेरे पास है, इसमें से आपको हर कलर की चूड़ी मिल जाएगी।
इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर है ना वो इस तरीके का है, ये है अटैची की फॉर्म में, तो आगे से ये बंद हो जाता है, खुल जाता है। ये भी मैंने अमेजोन से लिया था, काफी पहले लिया था। और जो ये ऑर्गेनाइजर इस टाइप के होते हैं, इन्हें आप ना डेकोरेशन के काम में भी ला सकते हो, ये कहीं रखे हुए भी अच्छे लगते हैं। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा जगह नहीं है तो इसको रख दीजिए, तो ये सुंदर लगता है। और देखिए इसमें कितने सारे कलर्स हैं। नॉर्मली इसमें जो है चूड़ियां ग्रीन कलर की बहुत सारी हैं, ग्रीन पीच कलर की हैं, और थोड़ी सी मैंने पर्पल रख दी हैं। बहुत अच्छा है, काफी काम में ये आएगा। इसके अंदर मैंने अपने सारे कड़े रख दिए हैं, क्योंकि कड़े क्या होते हैं, डेली जरूरत पड़ती है, तो जो भी कड़े होते हैं नॉर्मली वही पहनते हैं डेली में। ये प्लेन कड़े, तो प्लेन कड़े आप किसी भी चूड़ी के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हो, अच्छे लगते हैं ये वाले। और इसके अलावा मोती के कड़े हैं, स्टोन के कड़े हैं, ये भी स्टोन के कड़े हैं, ये अच्छे लगते हैं। इसमें कुछ लाख के कड़े भी थे, वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो अलग अलग स्टाइल के मार्केट में बहुत कड़े मिलते हैं, चूड़ियाँ मिलती हैं, वही सब इसमें हैं। इस तरीके की रेड कलर की चूड़ियाँ होती हैं जिसमें थोड़ा सा वर्क हुआ रहता है, इसी तरीके की रेड है। और इसी तरीके की मेरे पास क्रीम कलर की चूड़ी है, मतलब कई कलर में है। इन्हें ज़रूर आप रखिए अपने कलेक्शन में, एक तो ये चूड़ी, इसी तरीके की क्रीम चूड़ी जिसपे रेड पे वर्क हो, और एक मैं आपको और चूड़ी दिखाती हूँ जो कि मैंने इसी में रख रखी थी दिखाने के लिए आपको। तो ये मल्टी कलर की चूड़ी आप जरूर रखो अगर आप अपने कलेक्शन में रख रहे हो तो। ये और जो ये DIY वाला बॉक्स मैंने बनाया है ना, इसमें ऊपर जगह है, तो जो चूड़ियों के एक्स्ट्रा डब्बे होते हैं वो इसमें ऊपर रखे जा सकते हैं। तो काफी सारी जगह, मतलब जैसे नए खरीद के लाए तो इसी के ऊपर रख दिए, बॉक्स बंद कर दिया। तो ये ब्राउन कलर वाली चूड़ियां हैं वो जो कि मैंने इसमें रख दी, कम पहनती हूँ ब्राउन कलर थोड़ा मैं, तो ब्राउन कलर की इसमें आ गई। ये कुछ ऐसे कड़े और चूड़ियां हैं जो थोड़े थोड़े बचे हुए हैं, तो ये ना बड़े अच्छे से हैंग हो जाते हैं, आप इन्हें अलमीरा में हैंग कर सकते हैं, एक के नीचे एक हैंग कर सकते हैं इस तरह से, अगर हैंगर में रख लो। और ये मेरी क्रीम कलर की चूड़ियां हैं जो कि हमेशा मेरे पास रहती हैं, कोई भी सेट बनाओ तो उसमें काम आ जाती हैं। और ये भी थोड़ी सी ग्रे रेड जो बची हुई चूड़ियाँ होती हैं वो हैं, थोड़ी सी ग्रे और ब्राउन इसमें चूड़ियाँ हैं, तो ये सब हैंगर में है इस तरह से, तो हैंगर से निकालना भी बड़ा आसान हो जाता है। इसमें है मेरे कुछ पुराने कड़े जिनको कि अब मुझे नहीं पहनती हूँ अभी ने, तो वो मैंने इस हैंगर में कर दिए हैं। और ये भी कुछ मतलब कुछ ब्लू शेड्स में, कुछ अलग अलग शेड्स में चूड़ियां हैं जो कि कम पहनती हूँ, इसलिए मैंने इनको हैंगर में कर दिया, बाकी सब तो इन ऑर्गेनाइजर्स में मैंने रख दिए हैं। तो ये सारी हैंगर्स में आ जाती हैं चूड़ियां, देखो कितनी ढेर सारी हो रही हैं। लेकिन कभी जैसे ऐसा लगता है ना कुछ मिक्स एंड मैच करना है, तो यही वाली चूड़ियां काम में आती हैं। और हैंगर में से निकालना रखना चूड़ियों को बहुत आसान होता है, और अलमीरा में बड़े आराम से जो है ये रखी रहती। पुराने हैंगर है, यहाँ से मैंने इन्हें खोल लिया था और यहीं पे इन्हें मैं लगा देती हूँ इस तरह से। तो यहाँ से निकाल लीजिए चूड़ियाँ, आ जाती हैं इस तरह से, ये थोड़ी सी चमकीली चूड़ियाँ हैं। तो अगर चूड़ियों की वैरायटी की बात करूँ, मेटल की चूड़ियाँ मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ, वो सब मैंने निकाल के अलग कर दी हैं। और मेरे पास ना ऑक्सीडाइज्ड भी हैं, वाइट कलर में अच्छे कड़े हैं, तो कुछ उस टाइप की चूड़ियाँ भी हैं जो कहीं रखी हुई हैं। और एक ये घुंघरू वाला कड़ा है जो कि बहुत सुंदर लगता है मुझे, किसी मॉल से लेकर आई थी मैं, तो ऐसी ऑक्सीडाइज सेट है मेरे पास। एक मेरे पास गोल्डन कलर का सेट है, वो मुझे नहीं दिख रहा है, वो पूरा गोल्डन कलर की चूड़ियों का सेट है और वो इतना काम आता है, वो मैंने जयपुर में WTP मॉल है उससे लिया था, गोल्डन कलर का पूरा सेट है। अगर वो सेट आपके पास रहेगा ना तो आपको कोई भी चूड़ी रखने की जरूरत नहीं है साड़ी के साथ की, मेटल का है वो, मुझे दिख नहीं रहा है गोल्ड, बहुत ही सुंदर है वो, और वो शायद अंदर मेरे दूसरे बॉक्स में रखा होगा, उसे मैं पहन लेती हूँ ना पूरा, तो उसके साथ मुझे कोई भी मतलब मैचिंग चूड़ी पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गोल्डन सबके साथ चल जाता है। बिल्कुल वैसा ही सिल्वर भी है जो कि मुझे सपना ने गिफ्ट किया था। तो ये मेरी कांच की चूड़ियां हैं, तो किसी दिन आपको अपनी मेटल का जो चूड़ियां हैं उनके कलेक्शन भी दिखाऊंगी, मेटल गोल्ड जो भी है। शादी पे मैंने जो लहंगा पहना था वो था क्रीम कलर का और रेड कलर का उसका दुपट्टा है, और उसके संग मैंने इस तरीके की हरी चूड़ियां पहनी थी। ये हरी चूड़ियां बहुत ही बारीक चूड़ियां होती हैं और इन्हें पूरा हाथ भर भर के पहनाया जाता है और बहुत ये सुंदर लगती हैं। प्लेन चूड़ियां लेकिन इतनी बारीक होती है कि पहनते पहनते भी कभी मौल जाती है, तो बड़े इसे सावधानी से पहनना पड़ता है, और ये इतनी बारीक होती है कि जरा सी जगह पे भी बहुत ढेर सारी चूड़ियां आ जाती हैं। तो ये मैंने अपनी शादी की चूड़ियां ना संभाल के रख रखी हैं। तो देखो ये हैं चूड़ियां, बिल्कुल बारीक बारीक हैं, कितनी बिल्कुल पतली चूड़ी हैं, तो ये इतनी हैं चूड़ियां, और इसके साथ ये है रेड चूड़ी। ये सब शादी की हैं, तो जैसे लगुन सगाई होती है तब पहन लेते हैं चूड़ियां। इन्हें मैंने बांध के रख रखा है, मतलब अलग रख रखा है पूजा की जगह पे,
और जैसे कोई भी अच्छा दिन होता है, जैसे करवा चौथ होता है या कोई भी मतलब दिन होता है, उस दिन ये चूड़ियां पहन लेते हैं। तो अब मैं थोड़ी ना इसलिए नहीं पहन पाती हूँ कि अब थोड़ा मेरा हाथ का साइज बड़ा हुआ, और उस टाइम में बहुत पतली थी, तो ये थोड़ी छोटी है साइज में, लेकिन संभाल के रख रखी है, एक अच्छी मेमोरी है। तो ये हो गई मेरी बहुत ढेर सारी चूड़ियां, जिनको कि मैंने आपको वो दिखाई हैं जो कि मैं आजकल पहन रही हूं। अदरवाइज बहुत ढेर सारी चूड़ियां ऐसी हैं जो कि मैंने, जैसे कहते हैं ना, डिक्लटर करते रहो, तो मैंने निकाल दी हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा कलेक्शन कांच की चूड़ियों का, स्पेशली जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताना। डीआईवाई चूड़ी का बॉक्स बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर तो काफी सारे डब्बे भी आ सकते हैं, कड़े रखे हुए हैं इसमें मैंने। तो ये सब आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। ये बहुत प्यारी लगती है, ये वाली बहुत अच्छी लगती है। शॉप पे जाके कह देना कि जिसको वर्क हो रखा है वो वाली चूड़ी दे दो, है ना, अच्छी है।